हेलो एवरीवन, मायसेल्फ निधि। मिशन मंगल मूवी तो सबने देखी होगी और मूवी देखकर आपके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल भी उठा होगा कि काश मैं भी इसरो में एज अ साइंटिस्ट काम करता और देश के डेवलपमेंट में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर पाता। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप इसरो में एज अ साइंटिस्ट एज अ इंजीनियर कैसे काम कर सकते हैं। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो इंडिया का नासा है। यहाँ इंडिया के टॉप साइंटिस्ट ब्रिलियंट माइंड्स काम करती है। यहाँ काम कर रहे लोगों की प्रेस्टीज ही कुछ अलग होती है, क्योंकि वो अपने नॉलेज का इस्तेमाल डेवलपमेंट के लिए करते हैं, देश के लिए करते हैं। हमारे लेट प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी इसरो में एज अ साइंटिस्ट काफ़ी समय तक काम कर चुके हैं। इसरो का मेन काम होता है स्पेस में रिसर्च करना एंड डेवलपमेंट करना। अब चाहे वो हमारी सैटेलाइट हो, रॉकेट्स हो, मिसाइल्स हो या फिर कोई डिजास्टर मैनेजमेंट टूल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप एज अ BTech स्टूडेंट, एज अ BE स्टूडेंट, एज अ BSc स्टूडेंट इसरो को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो में हम चार पोस्ट के बारे में डिटेल में बात करेंगे और वो पोस्ट है हमारी स्पेस साइंटिस्ट की, इंजीनियर्स की, टेक्निकल असिस्टेंट की और साइंटिफिक असिस्टेंट की। अगर आप इसरो में एज अ साइंटिस्ट या इंजीनियर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए तीन स्टेप है और वो स्टेप है हमारा IIST, ICRB एंड कैंपस रिक्रूटमेंट। IIST का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये आपका एक कॉलेज है जो कि तिरुवनंतपुरम में है। क्लियर? जिस भी बच्चे ने ये डिसाइड कर लिया है कि उसे इसरो में एज अ साइंटिस्ट या इंजीनियर ज्वाइन करना है, उसका 10+2 में PCM होना चाहिए। दैट मीन्स फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, और इसकी आपको एक क्लियर डीप नॉलेज होनी चाहिए। 12 पास करने के बाद आपको IIST में एडमिशन लेने के लिए एक एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है और वो एग्जाम होता है आपका JEE मेन्स एंड एडवांस। जनरली बच्चे JEE मेन्स एंड एडवांस को IIT कॉलेज में एडमिशन के लिए देते हैं। जिस भी बच्चे ने JEE मेन्स क्वालिफाई किया है वही एडवांस दे सकता है। अगर आपके JEE एडवांस में अच्छे नंबर आए हैं तो आप IITs के अलावा IIST में भी एडमिशन ले सकते हैं। बट IIST में आपका सिर्फ 140 सीट्स है और कुछ सीट्स रिजर्व होते हैं जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, बट ओवरऑल देखो तो 140 सीट्स है। बट सुनकर थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। आप चाहो तो आप अपना पोजिशन वहाँ पर बना सकते हो। IIST आपको दो तरह की डिग्री कराता है। पहली डिग्री होती है 4 साल की BTech डिग्री और दूसरी डिग्री होती है आपकी ड्यूअल डिग्री। BTech डिग्री की टोटल 120 सीट्स है एंड ड्यूअल डिग्री की यहाँ आपकी 20 सीट्स है। क्लियर? IIST से BTech क्लियर करने के बाद आप डायरेक्ट इसरो में एज अ साइंटिस्ट एज अ इंजीनियर अप्लाई हो सकते हो, बट उसकी एक एलिजिबल क्राइटेरिया है कि आपके सारे सेमेस्टर्स में 7.5 CGPA या उससे अबव आए हो। तो ये इसरो में एज अ साइंटिस्ट एज अ इंजीनियर जाने का सबसे अच्छा रास्ता है। सेकंड, अब बहुत से बच्चे जिनका IIST में एडमिशन नहीं हुआ, उन्होंने किसी दूसरे कॉलेज से अगर अपनी BTech डिग्री की है तो वो क्या करें? तो उसके लिए सेकंड रास्ता है ICRB। ICRB एक बोर्ड है जो इसरो के लिए एग्जाम कंडक्ट कराता है। आपका इसमें रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और फिर आप इसरो में एज अ साइंटिस्ट एज अ इंजीनियर अप्लाई कर सकते हो। बट इस एग्जाम को देने की कुछ एलिजिबल क्राइटेरिया है और वो क्राइटेरिया क्या है? या तो आप BE के स्टूडेंट हो, या आपने BTech किया हो, या आपने BSc इन इंजीनियरिंग किया हो, या फिर आपने डिप्लोमा कोर्स प्लस BE BTech किया हो, या फिर BSc प्लस BE BTech किया हो लैटरल एंट्री के साथ। लैटरल एंट्री का मतलब क्या होता है कि बहुत से बच्चे डिप्लोमा कोर्स कर लेते हैं या BSc कर लेते हैं, फिर एग्जाम के थ्रू उन्हें डायरेक्ट सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में BTech या BE में एडमिशन मिल जाता है। इतना ही काफ़ी नहीं है, साथ ही साथ आपके ग्रेजुएशन में एटलीस्ट 6.86 CGPA आए हो। साथ ही साथ एक और क्राइटेरिया है, आपका जो स्ट्रीम है वो भी बहुत मैटर करता है। या तो आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया हो, या तो आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हो, या फिर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया हो। अब कंप्यूटर इंजीनियरिंग के भी अंदर 3 ब्रांचेस हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर टोटल 11 ब्रांचेस है एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर 14 ब्रांचेस है, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। क्लियर? तो यही सारे बच्चे जिनके ये एलिजिबल क्राइटेरिया है वो ICRB का एग्जाम क्लियर करके, क्वालिफाई करके इसरो में एज अ साइंटिस्ट एज अ इंजीनियर अप्लाई कर सकते हैं। एंड तीसरा रास्ता है कैंपस रिक्रूटमेंट, जो कि हमारे टॉप IITs एंड NITs कॉलेज में होता है।
IITs में आपको JEE एडवांस के थ्रू एडमिशन मिलता है और NITs में आपको JEE मेंस के थ्रू एडमिशन मिलता है। ऑन कैंपसिंग इसरो इन कॉलेजेस में टॉप NITs एंड IITs कॉलेज में जाता है और बच्चों को वहां से रिक्रूट करता है और एग्जाम के थ्रू उनका इसरो में एज अ साइंटिस्ट एज अ इंजीनियर सिलेक्शन हो जाता है। अब अगर हम बात करें टेक्निकल असिस्टेंट एंड साइंटिफिक असिस्टेंट की, तो उसके लिए आपका BSc क्लियर होना जरूरी है। और सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो या तो आपने BSc फिजिक्स में किया हो, केमिस्ट्री में किया हो, मैथ्स में किया हो, कंप्यूटर साइंस में किया हो, किसी सब्जेक्ट में ऑनर्स किया हो, अप्लाइड फिजिक्स किया हो, BSc इन इंजीनियरिंग किया हो, लाइफ साइंस किया हो या फिर सोशियोलॉजी किया हो। क्लियर। अब इसकी एक साइट है www.isro.government.in/career, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस साइट में जाकर आप जो भी तरह तरह की पोस्ट निकलती रहती है उसके बारे में डिटेल में जान सकते हो। तो ये थे कुछ रास्ते जिसके थ्रू आप इसरो में एज अ साइंटिस्ट एज अ इंजीनियर अप्लाई कर सकते हो। इसरो में काम करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ हम सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते बल्कि नॉलेज के लिए, डेवलपमेंट के लिए, देश के लिए काम करते। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कुछ और टॉपिक के बारे में डिटेल में जानेंगे और अपने नॉलेज को और इन्हेंस करने की कोशिश करेंगे। कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।